नमस्कार साथियों, सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे SSO ID पे ये DDO लॉगिन और ये बेसिक पे को किस प्रकार चेंज करते हैं, ये हम देखते हैं। यहाँ अभी DDO पे सेकेंडरी स्कूल बरसनी लिखा हुआ आ रहा है, जबकि ये पूरी तरह से रॉन्ग है। DDO आना चाहिए सीनियर सेकेंडरी जैतगढ़, और ये डेजिग्नेशन में लैब असिस्टेंट आ रहा है वो भी यानी गलत है, और इसकी जगह आना चाहिए टीचर लेवल 2, और बेसिक पे में आना चाहिए 23,700 जो अभी यानी कि इनका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, और SI की कटौती के लिए इनकी बेसिक चेंज करनी है, तो अभी 33,800 पे इनका फिक्सेशन करना है। तो आज हम ये चीज़ सीखेंगे कि इनकी पहले सर्विस थी लैब असिस्टेंट में, और अब इनको इनकी चेंज करना है, और ये हमारे DDO पे DDO के SSO ID पे नहीं है, इसको हम कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में सीखेंगे हम। इसके लिए हम सबसे पहले DDO की SSO ID को हम लॉगिन करेंगे। इसके लिए हमें कोई भी एक ब्राउज़र खोल के और ID और पासवर्ड लगाएंगे। SSO ID और पासवर्ड लगाने के बाद में SIPF को ओपन करेंगे, उसके बाद सेंड एनीवे करेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे। अब हमें यहाँ पे कस्टमर की जगह कर देंगे हम DDO लॉगिन, DDO कर दिया हमने। अब आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी जैतगढ़ आ रहा है DDO की जगह, और उधर आ रहा था बरसनी। तो इसको हम किस तरह चेंज करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय में जाएंगे हम, एम्प्लॉय में जाकर फिर एम्प्लॉय के बाद हम जाएंगे ट्रांजेक्शन में, और ट्रांजेक्शन में जाके नीचे आ रहा है एक पुल एम्प्लॉय, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास में ये इंटरफेस ओपन होगा, तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय ID सर्च करनी है, पुल एम्प्लॉय। तो अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, प्लीज सेलेक्ट, यहाँ हम एम्प्लॉय ID करेंगे, और यहाँ जो भी कार्मिक एम्प्लॉय ID है वो एम्प्लॉय ID यहाँ लगा देंगे। यहाँ हमने एम्प्लॉय ID लगा दी है, और इसको हम सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करते हैं तो ये नीचे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। यहाँ हमें कहीं भी क्लिक करना है, और ये पूरा इंटरफेस ओपन होगा नीचे इस प्रकार से। अब यहाँ हम देख सकते हैं इनका नाम आ गया है, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ आ गई है, सब कुछ आ गया है। अब इसमें नीचे देखेंगे करंट स्टेटस, यहाँ पे इसमें GSS बरसनी दिखा रहा है जिसका 17,842 है DDO लॉगिन, जबकि हमें 106,244 पे इनको फॉरवर्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये पूरा यानी इस स्टेटस से इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, तो पुल टू। तो अब इसके बाद हमें सबमिट करना है नीचे, जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ हम ओके। अब हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि एम्प्लॉई इस DDO पे आया नहीं आया, इसके लिए हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे, और एम्प्लॉय में जाएंगे सबसे पहले एम्प्लॉयज में जाके, उसके बाद ट्रांजेक्शन में जाएंगे, और ट्रांजेक्शन में जाने के बाद में एम्प्लॉय पे सर्च करेंगे, और यहाँ से इनके हम बेसिक चेंज करेंगे। यहाँ ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ सर्च पे दबाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ खुलने के बाद में ये एम्प्लॉय ID लगाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय ID लगाया, और इधर एम्प्लॉय ID लगा कर यहाँ हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये नाम आ गया। इस पर कहीं भी हम क्लिक करेंगे खुल जाएगा, नीचे लेंगे, इसमें हम सर्विस डिटेल में जाएंगे, और यहाँ से हम इनकी बेसिक चेंज कर देंगे। यहाँ LP10 आ रहा है, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ हम इनका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, तो अब हम L10 कर देंगे, ये लेवल L10, और यहाँ हम डेजिग्नेशन में भी हम चेंज करेंगे टीचर लेवल 2, तो पूरा नीचे ले लेंगे, और टी पे लेंगे ये टीचर लेवल 2, सेलेक्ट कर दिया। यहाँ इनकी बेसिक चेंज हो जाएगी, यहाँ इनकी बेसिक 33,800 कर देंगे, और नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, Are you want to show submit, यहाँ ओके करेंगे, डाटा सेट सक्सेसफुली ओके करेंगे। तो ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब हम कार्मिक की SSO